गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है, इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास 100% होगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? When is World Tuberculosis Day observed every year? तो राइट आंसर होगा 24 मार्च। 24 मार्च को हर वर्ष हम लोग वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। टीबी डे का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस डे हम लोग 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। टीबी की वैश्विक महामारी और इसे खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यह टीबी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और अधिवक्ताओं को मान्यता प्रदान करता है। इसी के साथ विश्व तपेदिक दिवस उस दिन की भी याद दिलाती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की थी। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन पॉइंट्स ये याद रखना होगा कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हम लोग हर वर्ष 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का जो रीजन है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि डॉक्टर रॉबर्ट कोच, इन्हीं की डिस्कवरी के वजह से हम लोग ट्यूबरकुलोसिस से होने वाले वैसे बैक्टीरिया की खोज किए। इसकी खोज 1882 में की गई और इसी के दौरान टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरीके से हमको टीबी मुक्त अपना देश को बनाना है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि इस वर्ष 2024 की थीम क्या है वर्ल्ड टीबी डे का। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि यस वी कैन एंड टीबी, हम लोग टीबी को खत्म करेंगे। ये पॉइंट्स, ये थीम्स पिछले साल की भी है और इस साल भी ये थीम को रखा गया है कि यस वी कैन एंड टीबी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, जिन्हें हाल ही में शेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो किससे संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंध रखते हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, जिनको हाल ही में सम्मानित किया गया क्रिक विक लीडरशिप अवार्ड से। तो जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। COP28 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को अस्थाई ऊर्जा भविष्य के प्रति वैश्विक सहमति बनाने के लिए S&P ग्लोबल द्वारा क्रिक विक लीडरशिप अवार्ड से प्राप्त हुआ सम्मानित किया गया इनको। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, जो हाल ही में COP28 के प्रेसिडेंट थे, इनको सेराविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले दशक में S&P ग्लोबल द्वारा सेराविक ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो को सम्मानित किया था। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि इस वर्ष के सेराविक लीडरशिप अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, जो यूनाइटेड अरब अमीरात से रिलेटेड रखते हैं, संबंधित रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हाल ही में भाषा नेट पोर्टल को जारी किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जिसे हम लोग यूए के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की अवधारणा पर आधारित भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम 21 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे निक्सी शॉर्ट फॉर्म कहा गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच लॉन्च किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में जो भाषा नेट पोर्टल है इसको लॉन्च करने वाले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी एस कृष्णन जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। इसी के साथ भाषा नेट पोर्टल भारत में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सार्वभौमिक स्वीकृति का प्रवेश द्वार भी है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में जो भाषा नेट पोर्टल है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा इसे रिलीज किया गया, उसके सेक्रेटरी कौन है? तो एस कृष्णन जी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं और साथ साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि इस इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया नेशनल
इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग मिक्सी के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू करेगी? तो राइट आंसर का जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में गुड इनफ एनर्जी स्टार्ट इंडिया की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का अनावरण किया गया। जिस तरीके से आपको इसमें इमेज में दिख रहा है किस तरीके से बैटरी एनर्जी स्टोरेज को स्टोर किया जाएगा, जो इंडिया का पहला स्टोरेज गीगा फैक्ट्री होने वाली है जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो जानते हैं इसके पूरे डिटेल फैक्ट्स के बारे में। गुड इनफ एनर्जी ने 19 मार्च 2024 को कहा कि वह अक्टूबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू कर देगी, और इसी के साथ शुरुआत में जो फैक्ट्री की क्षमता होगी वो 7 गीगावाट हर्ट्ज तक होगी, जो 2027 तक बढ़कर 20 गीगावाट तक हो जाएगी। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में 19 मार्च 2024 को कहा गया गुड इनफ एनर्जी के द्वारा कि वो हाल ही में ऑपरेट करने वाली है इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये कब तक शुरू करने का इसका लक्ष्य लिया गया है, तो अक्टूबर 2024 तक इसको पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। शुरुआत में इसमें जो कैपेसिटी होगी वो 7 गीगावाट हर्ट्ज तक होगी और 2027 तक इसको बढ़ाकर 20 गीगावाट हर्ट्ज तक कर दिया जाएगा। गुड इनफ एनर्जी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की भारत की अग्रणी निर्माता है। इससे प्रति वर्ष 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और भारत ने नेट जीरो बनने के लिए 2070 का लक्ष्य रखा है, वो भी कंप्लीट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राइट आंसर रशिया और बेलारूस। रशिया और बेलारूस दोनों कंट्री को इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा बैन कर दिया गया उनके एथलीटों को, कि वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स जो 2024 में आयोजित होने वाला है। तो इसी के दौरान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये बताया गया कि रशिया और बेलारूस दोनों को एथलीटों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि रूसी और बेलारूसी एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्र परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ IOC के निदेशक जेम्स मैकलियोड ने कहा, जो एथलीट तटस्थ ध्वज के तहत खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे वे उद्घाटन समारोह के दौरान परेड और टीमों में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे व्यक्तिगत एथलीट नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्ष 2024 के लिए विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है वर्ल्ड टेलीकॉम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। 2024 के लिए इंडिया होस्ट करने वाली है वर्ल्ड टेलीकॉम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दूर संचार मानकीकरण असेंबली 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का अनावरण किया। इसी के दौरान इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन का प्रतिष्ठित WTSA कार्यक्रम 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया होस्ट करने वाली है वर्ल्ड टेलीकॉम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया त्रिनेत्र ऐप 2.0। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच में मदद करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया। त्रिनेत्र ऐप 2.0 को राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया त्रिनेत्र ऐप 2.0, इसका पूरा फोकस होगा कि वो अपने जांच के प्रति और जहां पे वहां पे क्राइम रेट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने ADG कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश के साथ DGP मुख्यालय में त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजी ने AI संचालित क्राइम GPT त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है और यह टूल UP सरकार और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है
तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत ने डोनियर विमान 228 बेचने के लिए किस कैरिबियाई देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर गुआना। गुआना देश के साथ हाल ही में इंडिया ने टाइप अप किया है कि कैरिबियन कंट्री के साथ वो सेल करने वाली है ड्रोनियर एयरक्राफ्ट 228। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस कंपनी के साथ, किस कंट्री के साथ इंडिया ने टाई अप किया है कि वो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट को सेल करेगी। तो राइट आंसर का गुआना। गुआना कंट्री के साथ हाल ही में इंडिया ने टाई अप किया है कि वो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट 228 को सेल करेगी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। गुआना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दो ड्रोनियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा और गुआना के वित्त मंत्री और एक्जिम बैंक के डिप्टी जीएम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारतीय रक्षा उद्योग कैरेबियाई क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और गुआना रक्षा बल GDF ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ भारत से दो विमान खरीदने की योजना बनाई और इसी के दौरान यह भारत द्वारा किसी कैरेबियाई देश को प्रदान की गई पहली रक्षा ऋण सुविधा है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड टू अ कैरेबियन कंट्री। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को प्रोवाइड किया है किसी कैरेबियन कंट्री को। तो उस कैरेबियन कंट्री का नाम क्या है? गुआना नाम है, जिसको सेल किया जाएगा टू ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट रिवीजन बैच की ओर। 25 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो साथियान गणेशकरण। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान LEX-02 का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर का पुष्पक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती अभियान को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो राइट आंसर का मॉरिटानिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत गैर भूटानी व्यक्तिगत कौन है? तो राइट आंसर का नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किसके बीच शुरू हुआ है? तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी कॉल्ड विकृत पिंड के अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले आंतरिक पुनर्स्थापन बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रेस, ऑप्शन सी प्रेशर या ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।